नमस्कार, मैं सुजाता मिश्रा। 10x10 पोर्टल क्या है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ 10x10 पोर्टल? आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि 10x10 पोर्टल आखिर होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है, और जो लोग इसके बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं, इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगी कि वो सारी जानकारी आप लोगों को बताऊँ जो 10x10 पोर्टल की एनर्जी को दिखाता है। सबसे पहली चीज़ है कि 10x10 पोर्टल कब से स्टार्ट होता है। इसका जो टाइम है वो आने वाला है और 10th ऑफ अक्टूबर, जब भी 10वां महीना होता है और उसकी जो 10 तारीख होती है वहाँ से स्टार्ट होता है इस एनर्जी का जो बिगनिंग है, उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो वहाँ से स्टार्ट होता है और फिर ये तब तक चलता है जब तक 11 पोर्टल ना आ जाए। तो हम बात करेंगे आज 10x10 पोर्टल की, आखिर ये क्या है। हमने पहले पिछले वीडियो में बताया हुआ था 9x9 पोर्टल, जो कि माँ काली की एनर्जी को प्रदर्शित करता है और ऐसा माना जाता था कि वो ट्रांसफॉर्मेशन के स्टेज को दिखाता है। जो हमने पूरे साल में वर्कआउट किया उसको, उस पैटर्न को तोड़कर एक नई एनर्जी, जब वो 9 पोर्टल में हम होते हैं तब वो ट्रांसफॉर्मेशन का स्टेज होता है, लेकिन जब हम 10 पोर्टल में आ जाते हैं मीन्स एक रीबर्थ। 10 पोर्टल की बात की जाए 10x10 की, तो ये एक रीबर्थ को दिखाता है और रीबर्थ का मतलब होता है आप पिछले जितने भी पैटर्न्स हैं उसको तोड़कर एक नए पैटर्न के साथ अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। आप बिल्कुल ही डिफरेंट पर्सन लगेंगे उसके बाद अगर आप में ये एनर्जी ग्रास्प कर ली है। और 10x10 पोर्टल एक ऐसा पोर्टल है जिसमें रीबर्थ तो हो ही रहा है, लेकिन इसमें जो 1 नंबर है उसका मतलब ही है इंडिविजुअल, इंडिपेंडेंट और लीडरशिप, ये सारी क्वालिटीज़ आपके अंदर आ जाना। आपने अभी तक अगर आप अनसक्सेस की तरफ थे तो आप अपने पिछले जितने भी पैटर्न्स हैं उसको तोड़कर उन चीज़ों को, आप काम तो वही करेंगे लेकिन आप उन सब ब्रेकआउट्स को करके एक नए तरह से अपने आप को प्रेजेंट करना, अपने आप को इस तरह से प्रेजेंट करना कि आपको उस वे से सक्सेस मिले। जो अभी तक आप चल रहे थे जिस पुराने पैटर्न को यूज़ करके जिससे आपको सक्सेस नहीं मिल रही थी, लेकिन जब आप इस एनर्जी को ग्रास्प कर लेते हैं उस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो आपके विंग्स आ जाते हैं उसके बाद आप एक बिल्कुल कंप्लीट शिव शक्ति एनर्जी को प्रदर्शित करते हैं। मीन्स आप में जो शिव और शक्ति की एनर्जी है वो बैलेंस हो चुकी है। 10x10 पोर्टल का मतलब ही यही होता है कि आपने अपने आप को बैलेंस कर लिया, आपको पता चल जाता है चीज़ें, जब आप करने जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा वे आपके लिए बेस्ट है, कौन सा वे आप चूज़ करेंगे। आपको ये इंट्यूशन हो जाएगी अपने आप ही कि इस वे से आप वर्कआउट करेंगे तो आपको सक्सेस मिलेगी, कौन सा काम आपको करना चाहिए और कौन सा काम नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको इंट्यूशन से पता चल जाएंगी। इसीलिए कहा जाता है कि 10x10 पोर्टल एक ऐसा पोर्टल है जो रीबर्थ को दिखाता है। एक छोटी सी स्टोरी है जो हम सभी को पता है, एक बटरफ्लाई की। अगर बटरफ्लाई का जो हम जीवन देखते हैं, जब सबसे पहले वो एक इंसेक्ट के रूप में होती है और कुछ टाइम के बाद जब उस पर ककून आ जाता है और वो उसके अंदर बंद हो जाती है, फिर उसमें से जब वो निकलने की कोशिश करती है और काफ़ी स्ट्रगल के बाद, अगर हम उसके उस जीवन चक्र को देखें तो काफ़ी स्ट्रगल उसे करती है उसके लिए, और उसके अंदर जो फ्लूइड होता है उसकी बॉडी में जो फ्लूइड होता है वही उसकी एनर्जी होती है, और उस फ्लूइड को वो अपने बाहर निकालती है, और उस स्ट्रगल में जब वो उसके बाहर निकलता है तो उसके जो विंग्स होते हैं
उसमें वो विंग्स आ जाते हैं उस स्ट्रगल के बाद, वो ककून से बाहर निकलती है और स्ट्रगल में वो फ्लूइड भी जनरेट होके स्ट्रगल के बाद विंग्स बन जाते हैं और वो एक बहुत ही खूबसूरत बटरफ्लाई में चेंज हो जाती है। तो ये जो पैटर्न है, मतलब एक इंसेक्ट से जब वो बटरफ्लाई में चेंज होना, तो 10x10 पोर्टल भी यही है कि आपने जो पिछला पैटर्न है उसको तोड़ दिया। मतलब आपने इतनी स्ट्रगल की, आपने पिछले टाइम जितनी भी स्ट्रगल की हुई है वो सब आपके एक्सपीरियंस बन चुके हैं, वो सब आपको पता है कि हमने इस पे वर्कआउट किया है और इससे हमें कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ है। और उसके बाद अब आप उस सब को चेंज करके आप बिल्कुल नए पैटर्न, मीन्स आपके विंग्स आ चुके हैं 10x10 पोर्टल में, और जो आपकी सोच है वो आप बदल कर एक नए प्रेजेंटेशन के साथ लोगों के सामने आएंगे और आप बैलेंस होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। उसके साथ ही आप में लीडरशिप की क्षमता आ जाएगी और आपका एक नया वे ओपन हो जाएगा इस पोर्टल से। तो इस समय 10x10 पोर्टल जो अभी आने वाला है 10th of October को, उस एनर्जी को ग्रास्प करने की कोशिश कीजिए। उसके एक दिन पहले ही पूर्णिमा है। पूर्णिमा जो माना जाता है कि उसमें उस दिन काफ़ी एनर्जी होती है, अगर हम किसी भी आध्यात्मिक पथ पे चल रहे हैं या स्पिरिचुअलिटी के साइड हैं या फिर किसी भी बिजनेस में हैं, तो आप पूर्णिमा के दिन मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आप जिस चीज़ को भी मैनिफेस्ट करेंगे उस दिन, वो चीज़ें आपके तरफ अट्रैक्ट होगी और अट्रैक्ट होने के बाद वो आप उस पथ पे जा सकते हैं। तो 10x10 पोर्टल भी आप जब अगर हम 10x10 पोर्टल की बात करते हैं, तो आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके सामने 10x10 संख्या नंबर काफ़ी टाइम से आपके सामने आ जा रही होंगी। मतलब कभी आप कहीं पे जा रहे हैं तो आपने टाइम देखा तो 10:10 हो रहे हैं, इस तरह के जो पैटर्न्स हैं 1:1 दिखाई दे रहा है, ये एंजल्स नंबर होते हैं। और 10x10 ये जो पैटर्न है, मीन्स वो आपको हर जगह पे कहीं ना कहीं आपको शो होता होगा। तो इसका मतलब है कि आप अपनी एनर्जीज़ को ब्रेकआउट करके इस नए रीबर्थ के साइट प्रोसेस में हैं और आप बिल्कुल कंप्लीटली अगर आपने इस जर्नी को ग्रास्प कर लिया है, तो आप बिल्कुल ही तैयार हैं, इंडिपेंडेंट हैं और लीडरशिप की क्वालिटीज़ आपके अंदर आ चुकी है। तो इस एनर्जी को क्लेम कीजिए जो कि 10x10 से स्टार्ट हो जाएगा, और आप खुद इसको महसूस करेंगी जब ये टाइम, जब आप इस टाइम में गुजरेंगे इस टाइम से, तो आप खुद ही देखेंगे कि आपका जो वर्कआउट करने का जो पैटर्न है वो खुद ब खुद बिल्कुल चेंज हो गया है। आप जैसे पहले वर्कआउट कर रहे थे उससे बिल्कुल ही चेंज हो गए हैं आप, और आपको रिजल्ट्स पॉजिटिव साइड ही मिलेगा। 10 नंबर जो है वो कार्मिक को भी दिखाता है, मीन्स कार्मिक नंबर है ये। आपके जितने आपने पिछले जितने भी वर्क किए हुए हैं जिनका आपको फल अभी तक नहीं मिला है, मतलब आपने किसी चीज़ में भी बहुत सारा वर्कआउट किया हुआ था और आपको लगता है कि मैंने बहुत ज़्यादा वर्क किया और इसके बाद भी मुझे अभी तक उसका फ्रूट नहीं मिला है, तो आप रेडी हो जाइए। इस 10x10 पोर्टल के बाद आपको आपका जो कर्मा है उसका रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा, और आपने जो भी अभी तक पॉजिटिव वर्क किए हुए हैं उसका पॉजिटिव रिजल्ट ही आपको मिलेगा। तो आई थिंक आप सभी लोगों को 10x10 पोर्टल समझ में आ गया होगा, और अगर कोई भी और एक्स्ट्रा नॉलेज अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।